दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में डाक कर्मियों की सफल क्रियान्वयन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने एक विशेष आवरण का विमोचन करने के साथ ही 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले डाक कर्मयोगियों को सम्मानित किया। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने बताया कि देश में 5,400 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में डाक कर्मयोगी के दूसरे चरण के पूरे होने पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने डाक कर्मयोगियों पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया और इसके साथ ही 25 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। डाक कर्मयोगी करीब 4.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज हम सबके लिए खुशी का अवसर है कि पूरे भारतवर्ष में किसी एक विभाग ने डाक कर्मयोगी का प्रोजेक्ट को सफल कार्यान्वित करके ऐसा समारोह करने के लिए हमारा विभाग ने पहल की है। हमारे विभाग के करीब 4.5 लाख से अधिक कर्मयोगी को हमने ये ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग के बाद जैसे आपने देखा कि जिन्होंने अच्छा किया है उनको अवार्ड भी दिया है और हमने एक प्रतिबद्धता दिखाई जनता के प्रति, जो मोदी जी चाहते हैं कि देश में सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हैं। इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश में डाक नेटवर्क को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे थे, लेकिन हाल के समय में देश में 5,400 नए पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। एक समय था कि जब इस देश में ऐसा समय आया कि करीब 660 से अधिक पोस्ट ऑफिस को बंद किया गया, जबकि एक ऐसा ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है जिसके कारण हम और अधिक सेवाएं और प्रॉम्प्ट सेवाएं दे सकते हैं। तो हमारे विभाग ने अभी 5,400 से अधिक पोस्ट ऑफिस नए खुले और 5,000 खोल रहे हैं, और वैसे एरिया में जहां नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, जहां LW एरिया है, जहां आइलैंड हो, जहां डिजिटल हो, ऐसे एरिया में। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि डाक विभाग नई प्रौद्योगिकी अपनाकर लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अनवरत कार्य के लिए डाक कर्मियों की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 सर्कल के डाक कर्मयोगियों, मुख्यालय की टीम और PTC वडोदरा के सदस्यों को भी सम्मानित किया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली। मोदी का परिवार अब केवल परिवार तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में मोदी परिवार की बैठक आयोजित